शिशुपाल की सौ गाली पर कान्हा का सब्र टूटा था, विनती कर जब राम थके तब सागर भ्रम टूटा था, और विनती से कुछ न हुआ, भागीरथ के तप ने हमें माँ गंगा दी, और गांधी को राष्ट्रपिता हम सब कहते, बस इतना उत्तर दो, किसी ने भगत और सुभाष को क्यों नहीं राष्ट्रपुत्र की संज्ञा दी, ऐसा भी नहीं सारे बलिदान उनके फिजूल गए, हमने तो है बस चुप्पी तोड़ी, वो चिल्लाए तुम गांधी को भूल गए, वो चिल्लाए तुम गांधी को भूल गए। मैं चाहता हूँ प्रशांत बजरंगी जी हमारे बीच आएं और इस मंच का जो है माँ बाग बागेश्वरी वीणा पाणी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी बिहार से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कर्म भूमि काशी और काशी का वह महनीय संस्थान जिसे पूरी दुनिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानती है, उसके पितामह मेरे आदर्श परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये उनकी बगिया है, इसलिए एक बार जरा उनके स्मरण में आगे से पीछे तक तालियां उड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर मुझसे वरिष्ठ कवि मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री मोहन मुंतजिर, श्री संजीव मुकेश जी, श्री नवल पांडे जी, नवल सुधांशु भैया, तमाम लोगों की उपस्थिति है। मैं वैसे आपको लग रहा होगा मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन आज की शाम मुझे यहाँ आना था क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरे प्राणों में बसता है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मेरे सामने मेरे साथ शोध कार्य कर रहे प्रिय भाई श्याम बदन जी भी उपस्थित हैं, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे सभी साथी हैं, आइए आप सब कवियों को इस बात से संतुष्ट करूं, इधर जो अव्यवस्था के लोग इधर देख लो भाई, बस पाँच मिनट तुम मेरी तरफ देख लो, छठे मिनट मैं कहूँगा नहीं किसी की तरफ देखने के लिए, हाँ पाँच मिनट तुम मेरी तरफ देख लो बस। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और हमारे सभी जो वरिष्ठ कवि हैं जो बाहर से आए हैं वो इसलिए घबराए हैं कि आप संख्या बल में कम हैं, और मुझे इस बात का उम्मीद थी कि आज की शाम ये भीड़, ये हमारे अपने लोग बहुत होंगे, लेकिन मैं आप सबसे केवल इतनी जिम्मेदारी चाहता हूँ कि ये कवि निराश ना हो, तो एक बार जो लोग फ़ोन भी हाथ में रखें नीचे रख दीजिए, हमारी वीडियो मिल जाएगी, एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर ज़ोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए, वंदन कर दीजिए। बहुत इस बात का ध्यान में रखते हुए वहाँ मेरे पीछे मेरे साथी बैठे हैं, हमारे कुलगीत में है कि भला हो कविता का क्यों ना आखिर, ये सर्व विद्या की राजधानी। मैं कविता पढ़ूंगा दो से तीन मिनट, चौथे मिनट तो मैं खुद नहीं पढ़ने की स्थिति में हूँ, चार मिनट पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ। यहाँ मेरे भाई वो लड़का कहाँ गया जो कृष्णा, सुनो इब्ने इशा का एक शेर है कि वो लड़की थी जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्हड़ आँखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। इसलिए न उसका रोग लो न उसकी दवा खोजो, मैं जितना बैठाने के लिए करा तो उसने भाग गए। चलिए मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए, चलिए निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए कि हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का पश्चाताप लिखते आ रहे हैं, जिसको लिखना है लिखे वो प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं, जिसको लिखना है लिखे वो प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। चार पंक्तियां सुने कि सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे, बावली की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे,
लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जुलाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और चौथी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, ये जितने लोग बैठे हैं वो नौजवानी जो अपना भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, वो भगत सिंह जिन्होंने कहा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, तब आपके बीच पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्तियों पर आप मुखर होके, आज का वो दिन है, साथ दीजिएगा मेरा, कि सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जुलाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, रंग मीत प्रीत का उतार नहीं पाओगे। रंग मीत प्रीत का उतार नहीं पाओगे। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि प्रण का पवित्र पांच जन्य गुंज ने लगा तो दमकने लगा दामनी संभाल तुम्हारा। ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि आज जिनका स्मरण करने को मन कर रहा है, आज जिनका स्तवन करना है, उनकी चार पंक्तियां पढ़ के मैं स्नान ले लेता हूँ। सुनिएगा कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकूल पूजते हैं सब। पूजते हैं महाराणा का महान आन बान, चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं सब।